ब्रेसलेट हमारा फायर हो चुका है, इस पॉइंट को देख सकते हैं आप और यहाँ पर देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारे पास कैटरपिलर फोर सिलेंडर डीजल इंजन है दोस्तों, 4RJ1। तो इंजन हमारा ओवरहीटिंग का प्रॉब्लम था दोस्तों, अभी हम इसका सिलेंडर हेड को रिमूव कर रहे हैं। इंशाल्लाह ओपन करने के बाद इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं जरूर शेयर करूँगा दोस्तों। अभी आप लोग देख सकते हैं हमने इसके टाइपेड वगैरह जो है ऑलरेडी रिमूव कर दिया है दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह अभी हमारा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 19 नंबर का बोल्ट है, हम इसको रिमूव करेंगे, कंप्लीट सिलेंडर हेड को बाहर निकालेंगे और इंशाल्लाह इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं जरूर शेयर करूंगा दोस्तों। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमने सिलेंडर हेड को ओपन कर लिया है, ये हमारा गैस्केट है दोस्तों, इसमें क्या प्रॉब्लम था क्या फॉल्ट था मैं इंशाल्लाह आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों। अभी आप लोग देख सकते हैं हमारा सिलेंडर हेड क्लीन हो रहा है, इंशाल्लाह इसको हम फिटिंग करेंगे, आइए आपको दिखाते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारा नया बंदा आया है, अभी क्लीनिंग का काम चालू है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं सिलेंडर हेड क्लीन हो रहा है, जैसे क्लीन हो जाएगा इंशाल्लाह मैं इसको फिटिंग करूँगा और उससे पहले मैं इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मैं जरूर इंशाल्लाह आपको शेयर करूँगा दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन का यहाँ पर प्रेशर मारा बराबर से कम करना है, पूरा इसको प्रेशर मार के क्लीन करें। अभी यहाँ पर पेपर मारना है, यहाँ फाइन पेपर जो है ना मार के थोड़ा इसको क्लीन करना है फाइन पेपर। इसके फेस पे फाइन पेपर मारना है, ठीक है, यहाँ फेस पे। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमने ऑलरेडी इसके सिलेंडर हेड को ओपन कर लिया है, ये हमारा गैस्केट है और इसमें क्या प्रॉब्लम है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, गैस्केट हमारा फायर हो चुका है, इस पॉइंट को देख सकते हैं आप और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से गैस्केट फायर हो चुका है दोस्तों। गैस्केट का कंडीशन आप देख सकते हैं दोस्तों, गैस्केट हमारा जो है फायर हो चुका है, तो इंशाल्लाह इसको हम रिप्लेस करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम इसको क्लीन करके लेंगे, तो हमारा अभी जो क्लीनिंग का प्रोसेस है दोस्तों अभी चालू है और इंशाल्लाह इसको हम परफेक्ट तरीके से क्लीन करेंगे और उसके बाद दोबारा हम इसको चेंज करेंगे और इंशाल्लाह इसको फिक्स करेंगे, उससे भी रिलेटेड मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मैं इसी तरीके से मैकेनिकल से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहूंगा दोस्तों। ये दुआ खैर में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।